सुरह बकरा सुरह नंबर दो आयत नंबर 155 156 157 वलनबलुवन्नकुम बिशयइन मिनल खौफ वलजू वनक्सिम मिनल अमवाल वलअनफुस वस्समरात वबशरिस्साबिरीन अल्लज़ीन इज़ा असाबतहुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। हम तुमको आजमाएंगे खौफ डर के जरिए। अब क्या होगा, अब क्या होगा, निकाल दिए जाएंगे। कौन निकालेगा भाई, जब तक ऊपर वाला ना चाहे दुनिया की कोई भी ताकत निकाल नहीं सकती। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। मेरे भाइयों घबराने की जरूरत नहीं है। हम डर के जरिए, भूख के जरिए आजमाएंगे। अभी देख लिए लॉकडाउन में बड़ी आजमाइश हुई, अल्लाह ने आजमा ली। हम आजमाएंगे मालों में कमी करके, कारोबार सब ठप, जो देने वाले थे लेने वाले बन गए, आजमाइश है। मेरा रब देना जानता है, मेरा रब लेना जानता है। जिनके बाप दादा ने ताजमहल बनाया, दिल्ली की जामे मस्जिद बनाई, लाल किला बनाया, आज उनके खानदान के लोग, आज उनके खानदान के लोग कलकत्ता की गलियों में भीख मांग रहे हैं या चाय बनाकर बेच रहे हैं। तो मेरा रब तो वो है किसी को चाय बनाने पर मजबूर कर दे या किसी चाय बनाने वाले के हाथ में मुल्क दे दे। प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं मैं तो चाय बनाया करता था, तो ये तो अल्लाह के हाथ में भाई। قُلِلَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكُ تُوتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ। سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 26 کہہ دیجئے اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، جس کو چاہے ملک دے دے، جس سے چاہے ملک چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہم کو ذلیل نہیں کر سکتی جب تک کہ اوپر والا ہم کو ذلیل نہ کر دے۔ मेरे भाई होना है। जानों में कमी करके, फलों में कमी करके आप खुशखबरी सुना दीजिए सबर करने वालों को। जब भी मुसीबत आती है क्या बोलते, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो रब की तरफ से रहमतें हैं, नेमतें हैं, नवाजिशें हैं। ये दुनिया की जिंदगी है, 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल सब खत्म हो जाएंगे। तो अपने दिमाग से निकालिए कि हम परेशान हैं, रोना छोड़ दीजिए कि हम परेशान हैं। अरे चाय कितने वक्त में पीते हैं हम और आप, अरे भाई कितने वक्त चाय पीते हैं हम और आप, कितने वक्त चाय पीते हैं, तीन टाइम। एक चाय मुझे दे दीजिए बस, देंगे मतलब, देने का मतलब ये नहीं कि बोली साहब को पिलाना। एक चाय का पैसा बचा के रखिए, उम्मत के लिए काम आइए, स्कूल खोलना है, ये आयत लेके उठिए। छोटे पैमाने से शुरू होता भाई। अगर क्रिश्चियन मिशनरी 2% हर गली में स्कूल खोल सकती है तो हम क्यों नहीं खोल सकते भाई। कोचिंग क्लासेस चला सकते हैं, हमारे बच्चे क्या बने भाई, आईएएस ऑफिसर तो बने, कुछ आगे तो बढ़े। रोना छोड़िए, रोना छोड़िए, अपना हक लेना सीखिए, सही तरीके से कोशिश कीजिए। नेगेटिव चीज दिमाग से निकाल दीजिए, डिलीट, पॉजिटिव डालिए, आने दे भाई आने। हर एक के साथ पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव नहीं। वो ऐसा कर रहा, वो ऐसा कर रहा, वो ऐसा कर रहा, वो ऐसा, वो मुझे फंसाया, उसने ऐसा किया, तेरी वजह से मेरा नुकसान हो गया, किसी की वजह से किसी का कोई ना, जब तक ऊपर वाला ना चाहे। यही अकीदे तौहीद, यही मजबूती। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह परेशान हाल जो है उनकी परेशानी को दूर कर दे। अल्लाह तेरा शुक्र है कि हम लोगों को सही हालत में रखा, जो दुनिया से चले गए अल्लाह सबको माफ फरमा दे, जन्नतुल फिरदौस में अता फरमा। अल्लाह जिनकी लड़कियों के रिश्ते नहीं आ रहे कोई रास्ता निकाल दे। अल्लाह कोरोना वायरस है जल्द से जल्द खत्म कर दे, कारोबार ठप हो गया दोबारा उठा दे। अल्लाह हम लोगों को साबिर व शाकिर बना, सबर करने वाला बना, शुक्र करने वाला बना। मैं आप तमाम हजरात के शुक्रिया के साथ रुख्सत होता हूँ, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।